मूवी के आगाज में 1192 में तंगोर सल्तनत की एक झलकी दिखाई जाती है। इस सल्तनत की खास जेल में एक बदहाल कैदी नजर आता है। सीन बदलते ही 20 साल कब मंगोल मैदानी इलाके दिखाए जाते हैं, जहां तेमोजन नामी एक छोटा सा बच्चा अपने बाप के साथ सफर कर रहा है। दरअसल तेमोजन एक मंगोल सरदार का बेटा है और वो लोग तेमोजन की दुल्हन का इंतखाब करने के लिए मार्केट कबीले की तरफ जा रहे थे, मगर रास्ते में तेमोजन के बाप के एक दोस्त का कबीला आता है, जहां वो एक रात के लिए रुकने का फैसला करते हैं। यहीं तेमोजन की मुलाकात बोर्ते नामी एक छोटी बच्ची से होती है, जिसे तेमोजन बताता है कि वो अपने लिए दुल्हन ढूंढने मार्केट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बोर्ते कहती है कि होशियार लोग तो इसी कबीले से दुल्हन चुनते हैं। रात को तेमोजन अपने बाप से कहता है कि वो इसी कबीले से दुल्हन चुनना चाहता है, मगर उसका बाप बताता है कि ये कमजोर कबीला है, जबकि उन्हें मार्केट जैसे मजबूत कबीले से रिश्ता जोड़कर सुलह कायम करनी चाहिए। लेकिन तेमोजन अगले ही दिन उस कबीले से बोर्ते को अपनी दुल्हन के तौर पर चुन लेता है, जिसके बाद उन दोनों की शादी करा दी जाती है। मगर उनके रिवाज के मुताबिक 5 साल के बाद ही वो बोर्ते को ले जा सकते हैं। यहाँ जाने से पहले तेमोजन बोर्ते को सफेद कौवे की हड्डी का एक हार देता है और कहता है कि वो 5 साल के बाद आकर उसे ले जाएगा। अपने कबीले की तरफ वापस जाते हुए उन्हें मौसम की खराबी का सामना करना पड़ता है। यहाँ वो सब एक गार में छुप जाते हैं। तेमोजन का बाप उसे बताता है कि तमाम मंगोल बिजली की गरज चमक से डरते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये घर जिनके खुदा टेंगरी की नाराजगी की इलामत है। मौसम बेहतर होने के बाद जब वो दोबारा से सफर पर निकलते हैं तो कुछ दूर जाकर आराम के लिए रुकते हैं। वहीं एक और कबीले का सरदार भी ठहरा होता है। उस दौर में तमाम मंगोल बिखरे हुए थे और अक्सर आपसी तसादुम का शिकार रहते थे। दूसरे कबीले का सरदार दोस्ती की इलामत के तौर पर दूध का प्याला तेमोजन के बाप की तरफ बेचता है, जिसके बदले में तेमोजन का बाप भी उन्हें दूध और खाना बेचता है। अपने साथी की तनबीह के बाद भी तेमोजन का बाप वो दूध बगैर किसी को चखाए खुद पी लेता है, क्योंकि ऐसा करके वो रवायत को रोंदा नहीं चाहता था। मगर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ही तेमोजन के बाप की हालत खराब हो जाती है और वो घोड़े से गिरकर मर जाता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि दूसरे सरदार ने दूध में जहर डाल दिया था। सरदार के मर जाने के बाद उसके तमाम साथी उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। मरने से पहले तेमोजन का बाप उसे कहता है कि मेरे बाद तुम खान होगे। मजबूत रहना और पहाड़ों पर टैंकी से मदद मांगना। इसके बाद उनके कबीले का शमन और दीगर लोग आकर अपने खान को ले जाते हैं, मगर इस दौरान कबीले का ताकतवर आदमी तागोताए खान के मरने पर तमाम चीजें लूटकर और लोगों को भी अपने साथ ले जाता है। तेमोजन की माँ उसे खूब लान तान करती है और कहती है कि मेरा बेटा बड़ा होकर तुमसे बदला लेगा। ये सुनकर तागोताए डर जाता है और तेमोजन को पकड़कर उसे मारने लगता है, मगर मंगोल बच्चों को नहीं मारते, इसलिए वो उसका कद मापते हैं, मगर वो छोटा होता है, जिस पर तागुताई उसे छोड़ देता है और कहता है कि वो सर्दियों में आकर उसे मार देगा जब वो बड़ा हो जाएगा। अब सर्दियां आ चुकी होती हैं और तेमोजन के पास छिपने को कोई जगह नहीं। वो उन पहाड़ों का रुख करके टेंगरी से मदद मांगने के लिए जाता है, मगर वही वो बर्फ में फंस जाता है और यहाँ उसे एक जमोका नामी दूसरे कबीले का बच्चा बचा कर ले जाता है, जहाँ वो दूध के प्याले में अपना अपना हाथ काट कर खून डालते हैं और उसे पीकर कहते हैं कि अब वो भाई बन गए हैं। मगर एक दिन फिर से तागुताई के आदमी उनका पीछा करते हैं और तेमोजन को पकड़ कर ले जाते हैं। तागुताई उसे कैद करके उसके गले में एक भारी लकड़ी का फंदा डाल देता है, मगर फिर से जब एक पहिए के साथ उसका कद मापा जाता है तो वो छोटा होता है। उसके बड़ा होने तक वो उसे कैद करने का फैसला करता है। इस दौरान एक बूढ़ा आदमी तेमोजन को खाना देता है और उसके जख्म देखता है। मौसम खराब होता है और तमाम मंगोल गर्ज से डरकर छुप जाते हैं। इसी दौरान तेमोजन फंदे समेत भाग जाता है और टेंगी के पहाड़ों तक पहुंच जाता है। वो टेंगी से उसे आजाद करने का कहता है। यहाँ एक भेड़िया भी नजर आता है और अगले ही लम्हे तेमोजन उस फंदे से आजाद हो जाता है। उसके बाद कई सालों का वक्त गुजरता है, मगर तेमोजन अभी भी तारगुदाई के लोगों से भाग रहा है। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं, मगर चूंकि अब वो जवान हो चुका है तो उसके मरने के इम्कान ज्यादा है। लेकिन तागुताई इस दफा उसे आहिस्ता आहिस्ता अजियतनाक मौत देना चाहता है और एक बार फिर से उसे एक बड़े फंदे में बांध देता है। फिर से वही बूढ़ा आदमी उसे खाना देता है और एक रात जश्न के वक्त जब सब लोग मसरूफ होते हैं तो तेमोजन अपनी निगरानी करने वाले शख्स को मारकर वहां से भाग जाता है। रास्ते में एक शख्स उसकी मदद करता है और उसे घोड़ा भी दे देता है। तेमोजन सीधा अपनी दुल्हन बोर्ते को लेने जाता है, जो अब जवान और हसीन है। उसके बाद दोनों तेमोजन के घर चले जाते हैं, जहां तेमोजन की माँ बहुत खुश होती है। मगर जल्द ही मार्केट कबीले वाले यहां हमला कर देते हैं,
क्योंकि माजी में तैमूजिन के बाप ने मार्केट कबीले से तैमूजिन की माँ को चुराया था। यही लोग अब की दफा बोट को पकड़ कर ले जाते हैं और तैमूजिन तेल लगने की वजह से जख्मी हो जाता है। जैसे ही तैमूजिन की सेहत बहाल होती है वो झमोका के पास जाता है जिसने बचपन में उसकी जान बचाई थी और वो दोनों भाई बन गए थे। तैमूजिन उसकी मदद चाहता है ताकि अपनी बीवी को वापस ला सके, मगर मंगोल औरत की वजह से अपने ऊपर जंग मुसल्लत नहीं करते, लेकिन फिर भी झमोका अपने भाई के लिए जंग करने को तैयार हो जाता है। इसकी तैयारी के लिए उन्हें एक साल लग जाता है क्योंकि मार्केट काफी मजबूत है। फिर आखिरकार जंग होती है और तैमूजिन बूढ़े को वहाँ से बचा लेता है, मगर बूढ़े अब माँ बनने वाली है। लेकिन तैमूजिन उसे बहुत मोहब्बत करता है और उसे खुशी से वापस ले आता है। इसके बाद तैमूजिन झमोका का शुक्रिया अदा करता है। यहाँ झमोका उसे अपना नायब बनने की दावत देता है, मगर तैमूजिन खुद खान बनना चाहता है इसलिए वो उसकी पेशकश कबूल नहीं करता। और बाद में जंग से हासिल होने वाला सामान सिपाहियों में और मर जाने वाले लोगों के खानदान में तकसीम कर देता है, जिस पर सब तैमूजिन से मुतासिर हो जाते हैं। अगली सुबह जब झमोका देखता है कि तैमूजिन और बूढ़े जा चुके हैं, यहाँ तक कि झमोका के दो खास आदमी भी तैमूजिन के साथ चले जाते हैं। झमोका रास्ते में उन्हें रोकता है और अपने आदमियों को वापस आने का कहता है, मगर तैमूजिन वाजे कर देता है कि मंगोल जब चाहे अपना सरदार बदल सकते हैं। झमोका के साथ ही तैमूजिन से मुतासिर हो चुके थे इसलिए वो झमोका के साथ नहीं जाते। फिर जब झमोका घोड़े मांगता है तो वो भी वापस नहीं देते। झमोका कहता है कि वो लोग अपने घोड़े लेने वापस जरूर आएंगे। अगले ही दिन झमोका के लोग घोड़े चुराने आ जाते हैं और उन्हें रोकते हुए तैमूजिन के आदमी चोरों को मार देते हैं, मगर भी मालूम चलता है कि जो मरा है वो तो झमोका का भाई था। झमोका को जब ये खबर मिलती है तो वो बहुत गुस्से में होता है। ऐसे में हालात का फायदा उठाते हुए तैमूजिन की जान का पुराना दुश्मन तारगुताय झमोका से हाथ मिलाने आ जाता है। वो अपनी पूरी ताकत के साथ झमोका की फौज का हिस्सा बन जाता है। तैमूजिन को जब झमोका की बड़ी फौज की आमद की खबर मिलती है तो वो अपने खानदानों को अलविदा कहकर आगे भेज देते हैं और खुद फौज का मुकाबला करते हैं। जबरदस्त लड़ाई के बाद तैमूजिन हार जाता है। तारगुताय तैमूजिन को अपना शिकार कहकर मारना चाहता है, मगर झमोका उसे पीछे धकेल देता है और तैमूजिन से कहता है कि क्या वो मरना चाहता है, कम से कम उनसे रहम की भीख तो मांगे। मगर तैमूजिन ऐसा नहीं करता, जिसके बाद झमोका उसे गुलाम बनाकर बेच देता है। एक साल का वक्त गुजरता है और तंगोती सल्तनत की गहमा गहमी दिखाई जाती है, जहाँ तैमूजिन गुलाम फरोश के पास नजर आता है जो बाजार में उसे बेचने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में वहाँ तंगोस सल्तनत का बादशाह गुजरता है जिसकी नजर गुलामों पर पड़ती है। हालांकि उसका नजूमी बादशाह को ये मंगोल गुलाम खरीदने से मना करता है, मगर फिर भी वो एक मंगोल को सबक सिखाने के लिए तैमूजिन को खरीद लेता है। अब हमें मूवी के आगाज वाला सीन मिलता है जहाँ कोई एक खस्ता हाल कैद खाने में पड़ा था और ये तैमूजिन ही था जिसे तंगोत का राजा इबरत बनाना चाहता था। तैमूजिन यहाँ बहुत दर्दनाक दिन गुजारता है और फिर एक दिन वही नजूमी तैमूजिन के पास आता है और बताता है कि उसे मंगोलों के अरूज की झलक नजर आ रही है। जब वो लोग यहाँ आए तो उनके मजहबी खानकाहों को तबाह न करें। तैमूजिन उसे कहता है कि इसके बदले वो वही सफेद कौवे की हड्डी वाला हार किसी मंगोल ताजर के जरिए उसकी बीवी बोटे तक पहुँचा दे, मगर वो राहिब किसी बातमाद मंगोल ताजर को ढूंढ नहीं पाता और खुद ही ये हार लेकर बोटे को ढूंढने निकल जाता है। मगर भूख प्यास और थकन की वजह से ये बूढ़ा शख्स खुश्क मैदानों में ही मारा जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से बूढ़े और उसका बेटा इन्हीं पहाड़ों में भटक रहे होते हैं और उन्हें ये हार उस बूढ़े नजूमी के पास से मिल जाता है, जिसके बाद बूढ़े तंगोस सल्तनत में एक अमीर खातून के बेस में जाकर पहरेदारों को रिश्वत देती है और तैमूजिन को रहा करवा कर भाग जाती है, जिसके बाद वो वापिस मंगोल इलाकों में आते हैं और तैमूजिन अपनी बीवी और बच्चों के साथ कुछ खूबसूरत पल गुजारता है। बूढ़े बताती है कि भटके हुए और बिखरे हुए मंगोल बहुत जालिम बन चुके हैं, वो कत्लेआम और चोरियां करते हैं और बच्चों को भी नहीं छोड़ते, वो तमाम रवायात को रोन चुके हैं। तैमूजिन यहाँ इरादा करता है कि वो मंगोलों को काबू में करेगा और एक मजबूत मंगोल फौज बनाएगा, जिसके बाद वो वहाँ से उन्ही पहाड़ों पर चला जाता है जहाँ वो अपने खुदा टेंगली से मदद तलब करता था। वहाँ जाकर वो उसकी ताकत मांगता है। मंगोल खान बनकर वो क्या कानून लागू करेगा ये सोचता है। मंगोल कभी औरतों और बच्चों को नहीं मारेंगे, आखिरी सांस तक वो जंग करेंगे और अपने खान से गद्दारी नहीं करेंगे। इन सादा कवानीन के साथ तैमूजिन आगे बढ़ता है और आखिर एक बड़ी फौज खड़ी करने में कामयाब हो जाता है। वक्त गुजरता है और दिखाया जाता है कि अब तैमूजिन बहुत मजबूत हो चुका है, उसने मंगोलों को इकट्ठा कर लिया है
मगर अब उसका एक ही हरीफ चामोका बाकी है जो काफी ताकतवर है। और चूंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो उन दोनों में से कोई एक ही मंगोलों पर हुक्मरानी कर सकता है। यहाँ चामोका बहुत बड़ी तादाद में फौज लेकर जंग के लिए आता है, मगर टिमोजिन ने भी खास हिकमत अमली तैयार कर रखी होती है और फिर उसे अपने खुदा टेंगरी की ही मदद चाहिए थी। दोनों फौजों के पहले दस्ते जबरदस्त तरीके से टकराते हैं और फिर जब दोनों फौजें एक दूसरे की जानिब बढ़ती हैं तो मौसम खराब हो जाता है और बादल बहुत जोर से गरजते हैं। बिजली की गरज चमक की वजह से जामोका के तमाम सिपाही डर कर भाग जाते हैं और उसकी फौज बिखर जाती है, मगर टेमोजिन के सिपाही वही कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं और फिर जामोका की फौज पर हमला कर देते हैं। जामोका ये जंग हार चुका होता है क्योंकि टेमोजिन ने मंगोलों को ऐसा बना दिया था कि वो अपने डर पर काबू पा सके। तारगुताई, जो कि टेमोजिन का पुराना दुश्मन था, उसके खुद के आदमी ही उसे मारकर टेमोजिन के कदमों में ला फेंकते हैं, मगर टेमोजिन उसके साथियों को जान से मार देने का हुक्म देता है क्योंकि अपने खान से गद्दारी की सजा मौत है और उन्होंने टेमोजिन से बचने के लिए अपने खान को मार दिया था। टेमोजिन जब जंग के बाद हारे जाने वाले लोगों के सामने आता है जो उसके सामने झुके होते हैं, तो उन्हीं में वो उस बूढ़े शख्स को भी देखता है जो उसे कैद के दिनों में खाना खिलाता था और उसका ख्याल रखता था। टेमोजिन उसे बड़ा इनाम देने का कहता है और फिर सीन जामोका की तरफ जाता है, जिसे पकड़कर टेमोजिन के खेमे में लाया जाता है। यहाँ जामोका को इस बारे तजस्सुस था कि टेमोजिन गरज से क्यों नहीं डरा और इस बारे उससे सवाल भी करता है। टेमोजिन बताता है कि उसके पास इस गरज चमक से छिपने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो अब उससे नहीं डरता। जामोका हैरान होता है कि अब टेमोजिन इसके साथ क्या करेगा, मगर यहाँ टेमोजिन जामोका को माफ कर देता है और उसे जाने देता है। अब टेमोजिन बहुत मजबूत बन चुका होता है और तमाम मंगोलों का खान बन जाता है। टेमोजिन ही चंगेज खान है जिसने मंगोलों की किस्मत बदल दी थी। चंगेज खान मंगोलों को अंधे कुएं से निकालकर अरूज की तरफ ले गया था, जिसने एक ताकतवर सल्तनत बना ली थी और तमाम मंगोलों का हाकिम बन गया था। दुनिया उसे मंगोलों के सबसे अजीम खान चंगेज खान के तौर पर जानती है, मगर चंगेज खान का सफर अभी भी जारी रहता है और मूवी अपने इख्तिताम को पहुँचती है।